Hello, students of class 8, again I welcome to you to learning the question number 2 of exercise 9.2. So in this exercise, dekhiye, find the areas of rectangle with the following pair of monomials as their length and the breadth respectively. Aapko ek rectangle ki length aur breadth given hai aur isse aapko uska area find karna hai. We know the formula of the area of rectangle is the length into breadth. So dekhiye, hamare yahan pe kya de rakha hai, P aur Q. अलग अलग दे रखे हैं इन्होंने, क्या बोला कि P और Q, मतलब P लेंथ है आपकी और Q क्या है आपकी ब्रेथ, ठीक है। तो अगर अब मुझे इसका निकालना हो, लेट्स बी अज्यूमेड कि आपका फर्स्ट दे रखा, देखिए अलग अलग दे रखे हैं, इसमें आपको दे रखे हैं बच्चों 5 क्वेश्चन, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग 5 एक्सप्रेशन दे रखिए। तो देखिए, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे P को Q से, तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो क्या आ जाएगा, पी क्यू। सो इट्स आंसर इज द पी क्यू। सो देखिए, फर्स्ट क्या था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज टू लेंथ इनटू ब्रेथ, सो पी को पी क्यू से मल्टीप्लाई के वी गेट इट हियर एज द पी क्यू। अब देखिए, सेकंड था 10 एम को 5 एन से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द फॉर्मूला, क्या लिख दिया, 10 एम इंटू 5 एन, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 5 जो 50, और एम को एन से, क्या एम और एन वन वन टाइम है, तो 50 एम एन। इसी तरीके से 20 एक्स की पावर 2 और 5 वाई की पावर 2, तो सबसे पहले 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 25 जा 100। अब क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो देखिए ये एक्स और ये वाई दोनों डिफर है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, 100 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ओके। इसी तरीके से 4x कॉमा 3x स्क्वायर, तो देखिए लेंथ इज 4x और ब्रेथ इज 3x स्क्वायर, तो सबसे पहले नंबर को करें, 4 3 12, ओके। यहाँ पे a1x है और यहाँ पे 2x है, पता है मल्टीप्लाई के टाइम ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, x की पावर 3। नाउ 3mn एंड 4np, तो देखिए सबसे पहले लेंथ तो 3 4 12, ओके। अब m कितने हैं, वन टाइम है, तो m, अब देखिए n इसमें भी है, इसमें भी है, तो n कितने हो गए, 2, तो n की पावर 2 एंड p इज़ ए सिंगल टाइम, ओके ओके। राइट नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे, 3 कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, फर्स्ट मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट मोनोमल ये दे रखें और सेकंड मोनोमल ये दे रखें, तो बोल रहे हैं जैसे कि ये आंसर कैसे आएगा, 4x स्क्वायर। देखिए आपने जब 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या आएगा, 4। देखिए वेरी कॉमन कि हमें यू क्रॉस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 2 2 जा 4, इसमें 1x है और इसमें भी 1x है, तो कितना आ गया आंसर एज द 4x स्क्वायर। अब इसी तरीके से आपको ये जो 2x है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -5y से। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, अगर सबसे पहले नंबर को करूँ, देखिए ये प्लस का 2 और ये माइनस का 5, तो देखिए 2 5 10, तो देखिए यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 10। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें पता है इसमें x है और इसमें y है, लेकिन दोनों कितने कितने, एक एक टाइम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 xy, ओके। इसी तरीके से अब आपको 2x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3x स्क्वायर से, तो देखिए सबसे पहले 2 को 3 से किया, 2 3 6, ओके। अब इसमें कितने x है, 1x है और इसमें 2x है, तो मल्टीप्लाई के टाइम क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x की पावर 3। अब इसी तरीके से बच्चों आप आगे के भी जो सारे हैं उन्हें आप कंप्लीट करेंगे। सो देखिए जैसे टेबल है मैंने आपको कहाँ तक, अब देखिए जैसे आपका आ गया, जैसे अब आपको 2x को करना है -4xy से, तो देखो जब आपने 2 को 4 से किया तो क्या आ गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो 2 4 जा 8, ओके। और देखिए इसमें x है और इसमें x और y, तो एक x और एक x कितने मिलके हो गए, 2x और सिंगल y इज हियर, ओके। इसी तरीके से अब 7 से, तो 2 को सबसे पहले किया 7 से, तो 2 7 जा 14, इसमें 1x है, इसमें 2, इसमें 2x ऑलरेडी है, तो मल्टीप्लाई के समय एडिशन हो जाएगा, तो 14x की पावर 3 और ये y। तो देखिए बच्चों आप सारे टेबल इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, आपका क्वेश्चन दे रखा है, जब आप सेकंड वाली रो कंप्लीट करेंगे तो आप क्या करेंगे, -5 को पहले 2x से, फिर -5 को -5y से, इसी तरीके से इसके जब सॉल्यूशन करोगे तो इसको इससे, मतलब आपको ये क्वेश्चन अपने बुक में ही करना है। राइट नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। मैंने आपको बताया था जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में देखा था कि एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, उसके लिए तो हम क्या फॉर्मूला पुट ऑन करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो हमारा एक नया फॉर्मूला होता है जिसमें 3 डायमेंशंस, मतलब 3 मोनोमल्स हमें गिवन है, जैसे 1 2 3, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ओके। तो सो द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए हम इन्हें कैसे करेंगे, आपको 5 4 सम्स दिए हुए यहाँ पे, देखिए सो यू ऑल ऑफ यू सी दिस कि हमारी फर्स्ट जो दे रखी है, क्या दे रखी है, 5 है,
थ्री ए स्क्वायर और 7a4। तो देखिए 5a क्या हो गई हमारी लेंथ ब्रेथ है और ये हाइट है। अब हमें इन्हें क्या करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले नंबर्स को कर लें कितने नंबर हैं 5 × 3 × 7। तो 5 × 3 = 15 और 15 × 7 = 105। अब देखिए क्या क्या था इसमें, इसमें भी a है, इसमें भी a की पावर 2, इसमें a की पावर 4, सबको ऐड कर दें। तो देखिए 1a, तो 1 और 2 3 और 3 और 4 7। सो द आंसर इज़ अ 105 a की पावर 7। इसी तरीके से अब जो है लेंथ है 2p, ब्रेथ है 4q और ये 8r। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 4 = 8 और 8 8 = 64। देखिए ये p, ये q और ये r तीनों अलग अलग है, तो आंसर में क्या आ जाएगा 64 PQR। नाउ xy 2x² y और 2xy² अब देखिए इसमें लेंथ ही हो गई, ब्रेथ ही हो गई, हाइट ही हो गई। अब देखिए इसमें फर्स्ट वाले में हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, मतलब नंबर नहीं है, तो हम फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, जो बाकी के जो टू नंबर से पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो ब्रेथ का 2 है और जो हाइट का 2 है दोनों को ले लिया, तो 2 2 = 4। अब देखिए इसमें कितने एक्स है 1x, इसमें 2x है और इसमें 1x है, तो टोटल कितने हो गए 1 और 2 3 और 3 4, तो x की पावर 4। इसी तरीके से इसमें 1y है, इसमें भी 1y है, तो 1 और 1 2 और 2 और 2 4। सो द आंसर इज अ 4x² एंड y² 4। इसी तरीके से जो लास्ट है गिवन है a, 2b, 3c। तो देखिए यहाँ पे ये नंबर नहीं है, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6 हो गए। ठीक है, अब देखिए कितने a है, सिंगल a है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1a, b भी कितने हैं 1 और c भी कितने 1, सो द योर आंसर इज द 6abc। राइट नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.9.2। देखिए ऑप्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, ये भी देखिए बच्चों आपका वही 3 मोनोमर्स हैं, कि 3 मोनोमर्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या है प्रोडक्ट आपका xy, yz, z, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो देखो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है कि हमारे पास तीनों नंबर नहीं है यहाँ पे। देखिए इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स है, तो देखिए हमारी जो फर्स्ट है हम सबसे पहले क्या लिखेंगे xy × yz × zx। ओके, तीनों को ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखो एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए इसमें एक्स है और इसमें भी एक्स है, इसमें 1x है, इसमें भी 1x है, तो दोनों को लिख लिया, तो x × x × इसमें वाई है, इसमें भी वाई है, तो y × y, इसमें जेड है और इसमें भी जेड है। तो देखो यहाँ पे कितने हो गए, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया x², 2y है तो y² और z की पावर 2। तो सो द आंसर इज द x² y² z² ओके। नाउ a, -a² और a की पावर 3। तो देखिए यहाँ पे कितने a है 1, ये 2 और ये 3, तो देखिए कितने होने चाहिए 1, 2, 3 और 3 और 3, 6। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए मल्टीप्लाई में, तो -a² 6। इसी तरीके से 2, 4y, 8y, अब देखिए इसमें 4 प्रोडक्ट है बच्चों, देखिए 4 टर्म्स दे रखी हैं 1, 2, 3, 4, तो सबको अलग अलग करें। सबसे पहले लिखो 2 × 4y × 8y² × 6y³ ओके। तो सबसे पहले नंबर क्या क्या है 2, 4, 8, 16, सबको पहले कॉमन कर लिया 2 × 4 × 8 × 16, 2 4 = 8, 8 8 = 64 = 64 × 16 = 1024। अब देखिए इसमें y था 1y, ये 2y, कितने हो गए 3 और 3 और 3 कितने हो गए 6y, सो द आंसर इज 1024 y³ 6। सो देखिए बच्चों इसी तरीके से इसके जो बाकी के 4 और 5 वाला प्रोडक्ट है वो भी आप लोग अपनी नोटबुक में प्रॉपरली करेंगे। डू ऑल द क्वेश्चंस नीट एंड टाइडली इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू ऑल।